रहते हैं, सारे दरख्त हैं, सारे डांस कर रहे हैं। लाइटिंग इतनी खूबसूरत की हुई है इन्होंने, देखते जाए जरा कमाल। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है फातिहा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज हम जा रहे हैं मरीना बाय दी बे, वहाँ पे वाटर फाउंटेन होता है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको फुल एंजॉय करवाऊँगा। आज मैं लिफ्ट का इंतज़ार करूँ, देखो तीन तीन लिफ्टें लगी पड़ी, वही आ गई। ओके क्लोज, चलो जी। माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह, है साढ़े दोस्त ज़हीर साहब। अल्लाह की कसम है अज़ीम, सिंगापुर आए हो। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, शाम में जा रहा है। अल्लाह की कसम है, जैसे तुम्हें कोई कसम कसम चुरे तो चोगला है। नहीं अल्लाह की कसम है, अभी 35 डॉलर देते हैं बस फिरन वास्ते। हम ये सारे लड़के जा रहे हैं मरीना बाय दी बे, यही बात है ना। तो बहुत ही अच्छा सीन होने वाला है, बारिश हो रही है, देखें कैसे बादल आए हुए, ड्रिजलिंग चल रही है और खूबसूरत मंजर है। देखने वाला मिस करने वाला नहीं है, हम तो लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना, इतना मज़े की बारिश हो रही है, इतना मज़ा आ रहा है, बस मज़ा ही मज़ा आ रहा है, बस मज़े के अलावा कुछ नहीं आ रहा। इसका नक्शा देखो कैसा है ना जी, इधर तो ब्लू है, शीशा इधर से साफ नज़र आ रहा है। इतना प्यारा खूबसूरत सिटी का नज़ारा लग रहा है, शाम होने वाली है, बादल हो रहे हैं, हल्की हल्की से अभी बारिश हुई है। ये सिटी पूरा नजर आ रहा है, ये देखें पूरा सिटी का व्यू। मरीना बे सैंड्स इसका नाम है, इस होटल का तकरीबन 1,80,000 से 2,00,000 की रात है इसकी पर नाइट, इस होटल की मरीना बे होटल है ये। और इसकी एक रात रहने का किराया है भाई पाकिस्तानी 1.5 से 2 लाख रुपए एक रात बंदा इधर रहता है, और ऊपर जाना हो तो $60 की टिकट है इसकी, ऊपर लेके जाते हैं फिर ये। जितनी प्यारी बिल्डिंग इधर बनी हुई है ना, मुझे लग रहा है आर्किटेक्चर जो इनका है ना स्पेशल इन्होंने रखा हुआ है, जो इतनी जबरदस्त बिल्डिंग का नक्शा पास करता है। वेलकम टू मरीना बाय दी बे, ये है गार्डन मरीना बाय दी बे। ये देखें कितने प्यारे दरख्त लगे हुए, ये दरख्त बनाए हुए इन्होंने आर्टिफिशियल। अभी शाम होगी ना तो फिर देखना कैसे ये जलेंगे, लाइटें जलेंगी, इसके अंदर जगमग करेगा। और वहाँ से एंटर होंगे और बाकी ये सारा पार्क बना हुआ है, बहुत बड़ा पार्क है, आप कहीं भी जा सकते हो, इतना लश ग्रीन है, ज़बरदस्त। ये रिवर का नाम है अंदर, रिवर हांगबाओ 2024 का बनाया इन्होंने लेटेस्ट गेट। ये देखें कितने प्यारे तोता मैंने बैठे हुए, एक इस तरह जिस तरह की मैंने शर्ट पहनी हुई है ना, इसी टाइप के तोते बैठे हुए आज इधर, उनको पता है ना फाद आ रहा है। बात सारी ये है, दिल खुश हो जाता है देख के हर जगह, जो भी इनको खुशकी वाली जगह नज़र आई है ना, इन्होंने दरख्त वगैरह लगा दिए, पौधे वगैरह लगा दिए हर जगह। देखें आपको पौधे नज़र आएंगे, दरख्त नज़र आएंगे, और ये देखें कैसे कैसे पौधे लगाए हुए, इतनी प्यारी खुशबू महक रही है। वो सामने चलते हैं, उधर रिवर है मेरे ख्याल से, गार्डन बाय दी बे का मैप है, देखें हम इधर घूम रहे हैं। हाँ ये लगे हुए ना जहाँ से अभी हमारे तीन थे, ये गोल्डन गार्डन था, हमने इधर जाना है। अच्छा 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 जबरदस्त, पंखा देखें, कभी आपने जिंदगी में इतना बड़ा पंखा देखा है? ये भी आपको सिंगापुर में भी मिलेगा, देखो कितने बड़े बड़े पंखे चल रहे हैं। नानी तरक्की कर ली साड़ी मगरों, ये सब इंडियन बैठे हुए यहाँ पर बस सामने, इस तरफ को भी टोटल इंडियंस बैठे हुए, ये सब शो देखने के लिए वेट कर रहे हैं। और ये सीन देखें कुछ इस तरह का है, क्या नज़ारा लग रहा है, देखें ये साथ ये रिवर जा रहे हैं, और वो देखें जैसे लंदन आई थी ना, जैसे लंदन आई है वैसे ये इधर भी ये लगा हुआ है, और ये चल रहा है, आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल स्लो स्लो चलता है ये नज़ारे करवाता है पूरा सिंगापुर का। बाकी मैडम से रिव्यू लेते हैं सिंगापुर के बारे में। जी मैडम कैसा लगा सिंगापुर आपको? आपने कितने कंट्री देखे हुए तो है ना फर्क या नहीं? मुझे लगा था कि शायद दुबई जैसी फील आएगी, बिकॉज मुझे दुबई पर्सनली पसंद नहीं है, बिकॉज मैन मेड है, थोड़ा अर्बन सिटी सा लगता है, लेकिन यहाँ के मेरा ओपिनियन चेंज हुआ सिंगापुर के।
ऐसा लगता है ना कि जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा, अमेरिका, उस लेवल का है। और प्लस ये कि आपको जहाँ पे नेचुरल है इंसान को ना, वैसे जहाँ पे ग्रीनरी होती है वो जगह अच्छी लगती है। बिल्कुल, तो उन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, यही बात है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और साफ सुथराई देखे, इनके रोड इतने चमकते धमकते रहते, बिल्कुल साफ सुथरा कंट्री और साफ चीज हो, उसका ही मजा आता है। देखे आवाम कहाँ चढ़ी हुई है, ये लोग खड़े हुए इधर देखे शीशे के साथ साथ, ये कश्ती सी बनी हुई है, पूरा सिंगापुर यहाँ से नजर आता है। और बड़ी मशहूर बिल्डिंग है इनकी ये वाली, आप कोई भी नेट पे सर्च कीजिएगा सिंगापुर तो सबसे पहले ये वाली बिल्डिंग आएगी। वो ये देखें भाई, एलिफेंट सबसे आगे, बाप जा रहा है, बेटा जा रहा है, दादा जा रहा है, पोता जा रहा है, बच्चे जा रहे हैं, आगे देखे पीछे जानवर ही जानवर है, गेंडा शेंडा सारी चीजें। आ जाए आगे मेरे साथ, ये भी दिखाएं जरा। पीछे सिटी नजर आ रहा है, सिंगापुर सिटी मेरे पीछे बैक साइड पे, और ये सारे फ्लावर लगे हुए, ट्री देखे कितना जबरदस्त बना है भाई ट्री। और ये चीज बनाई इन्होंने, ये हिस्ट्री है इसकी, जो भी है ये वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे भाईजान, जो भी देखेगा करीब से दिखाते हैं। ज़ेब्रा देखे कितने प्यारे लग रहे हैं, ये ज़ेब्रा ही है ना, कितना बड़ा, ये देखो ये आगे गेंडा जा रहा है, ये साउथ अफ्रीका का गेंडा, बंदर, बच्चियां कैसे मस्तियां कर रही हैं इसके साथ, ये फोटोग्राफी हो रही है, ये सामने खड़े होके देखे। ये देखें, ये मेरे राइट साइड पे रैबिट है और इस तरफ ये डॉग है, और ये फोटोग्राफी कर रहे हैं किन की, उनकी, दिखाइएगा जरा, ये सो क्या कमाल सीन है यार, ठंडे ठंडे से ये देखना है जरा, ये देखो इतने ठंडे ठंडे से ना सुकून मिल रहा है, गर्मी में ठंडा ठंडा लग रहा है ना, सुकून मिल रहा है, जाबर शाबाश काम करते रहना। शाम होने लग गई है और सब देखें गोरे, सब सारे के सारे रनिंग कर रहे हैं, और सामने देखें ये अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ये देखें ये हेडफोन लगा के जा रहा है, और ये देखें सब भाग रहे हैं, ये देखो टूर वाली बस जा रही है, इतनी प्यारी लग रही है ना, एक साइकिलों पे। और ये जो लड़की जा रही है ना, ये बाइक, ये मेरे साथ जहाज में आई थी, ये मेरे साथ बैठी हुई थी कल, ये पिंक वाली जो है, इसको मैंने पहचान ली, ये भी आई हुई घूमने के लिए, पहले ये थाईलैंड गई हुई थी तो मेरे साथ ही इधर सिंगापुर उतरी थी कल रात को। ये हम आ गए रिवर के पास, मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा मैं उधर खड़ा होकर तस्वीरें बनवा के गया था, उधर मैंने वीडियो शूट की हुई है सारी की सारी, ये झूले के पास नीचे इस तरफ को, और अब मैं दरिया की इस तरफ आ गया हूँ, मैंने कहा आज रात का नज़ारा देखेंगे, और वहाँ पे वाटर फाउंटेन चलता है वो देखेंगे रात को मरीना बे पे, और इस तरफ ऐसा नज़ारा है, ये सारा पार्क बना हुआ है, सब एक्सरसाइज कर रहे हैं वॉकिंग ट्रैक के साथ, और साथ ही ये सीन है, ये सिटी एरिया सामने बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे टाइम हो गया 7:30 बजे का, 7:30 बजे यहाँ पे अंधेरा होता है, गर्मी है ना यहाँ पर, और यहाँ पर रहती भी गर्मियाँ ही है सारा साल, यहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे मलेशिया हो गया और सिंगापुर हो गया, यहाँ पे सारा साल बारिश होती है, बहुत ही कम चांस ऐसा होगा कि बारिश ना हो, एक दिन नहीं भी हुई तो दूसरे दिन तो लाजमी आनी आनी है, हालांकि हम कल रात को आए थे और आज बारिश हो भी गई है, सुबह हम जब होटल में थे ना तो बाहर बारिश हो रही थी, थोड़ा सा मैंने सीन लिया था तब बंद हो गई थी, और बारिश भी हुई है उसके बाद पता भी नहीं चला रोड कब खुश्क हो गए, पता ही नहीं कि बारिश हुई भी थी कि नहीं हुई थी, बस ऐसा ही मौसम रहता है, और बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिसकी वजह से मौसम यहाँ पे ठीक है, ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, मौसम अब रात होती जा रही है ना, अब ठंडा ठंडा सा होता जा रहा है रात को।
रात के टाइम देखें कितना खूबसूरत पार्क लग रहा है और इसके अंदर खूबसूरती आ गई। ये देखें जंगल में इन्होंने लगाया हुआ है कि बस स्टेशन इस तरफ को है और टॉयलेट्स इस तरफ को हैं, चिल्ड्रन गार्डन इस तरफ को है और गार्डन बाय द बे एमआरटी सामने ये स्टेशन बताए हुए इस तरफ भी हैं। सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने कि कहाँ पे जाना है। मरीना बे की भी लाइटें जल गई हैं, इसका भी कुछ ऐसा नज़ारा है और इतना प्यारा लग रहा है। शो स्टार्ट हो गया है, जो हम देखने के लिए आए वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वाह भाई वाह, इंडियन गाने चल रहे हैं और दरख्त ऐसे जगमग कर रहे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ ज़रा, बस एक सेकेंड। ये था सीन, वाह भाई वाह। ये सीन है देखने वाला, ये सिंगापुर का अलादीन खड़ा हुआ है, ये ड्रैगन पीछे, ये देखें बिल्ली तमाशा करके दिखा रही, सब गोरे देख रहे हैं। ये देखें लाइफ को एंजॉय करने के लिए आए हुए, ये नहीं कोई किसी की भी टेंशन लेते। ये देखें बिल्ली का घर, देखें भाई इतने बस बैठी हुई है, प्यारी सी लग रही है और सब गोरे जो खड़े हुए इनको कितना अच्छा लग रहा है, खुश हो रहे हैं, इंजॉय करने के लिए निकले हुए लाइफ को, कोई इनको टेंशन नहीं है, बस कमा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तानी होते हैं पैसा जोड़ जोड़े के रखते हैं, अस अपने दादे परदादिया से रहा लिए, पोता पोती मेरे यशी करनगे, उन्हों की अगू नसलें यशी करनगियाँ, संभाल लो वो, ये हमारी सोच है पाकिस्तान के लोगों में ना, इंसान को इंजॉय करना चाहिए, पैसा आने जाने वाली चीज़ है। ज़िंदगी देखनी है ना तो कसम से गौरों से आगे पूछो कैसे ज़िंदगी गुजार रही है, इनको किसी चीज़ की फिक्र फाका नहीं है, कोई इनके अंदर ऐब नहीं है, कोई इनके साथ कोई वो नहीं है कि उसने उसकी चुगली कर दी, उसने उसकी चुगली कर दी, ये हो गया वो हो गया, खुश रहते हैं हर टाइम। ये देखिए कितने प्यारे डॉग हैं, छोटे छोटे से, लेकिन अंदर खाने पीने का सारा सामान मौजूद है, पानी वानी हर चीज़, फैन लगा हुआ है, ये रखा हुआ इन्होंने, कपड़े पहने हुए इन्होंने, उनके फीडर भी हैं, ये देखो उनका पंखा भी लगा हुआ है, ये देखो नजर आ रही है, अब पैंट भी, पैंट कैसे टाकी हुई इन्होंने, आगे दीदा पाजमा आपको नजर आया, ये देखिए छोटा कोटू है, छोटा कोटू, इतने प्यारे प्यारे डॉग होते हैं ये, बड़े क्यूट हैं, पंखा भी चल रहा है भाई, पंखा चल रहा है पूरा, वॉकर सिस्टम है, वॉकर में बैठे हुए ये लेके जा रहे थे, बंदोबस्त किए हुए हैं इन्होंने, देखो आवाज कहाँ से आ रही है, तोता उड़ रहा है देखो, इतना प्यारा उड़ रहा है, बैठे बैठे इसके पर किस ऊपर जा रहे हैं समझ नहीं आ रही। ये भी दरख्त बने हुए हैं, लाइटें जल रही हैं, एक ये वाला है,
और एक ये यहाँ से हम एंटर हुए थे। हम कब के आए हुए? शाम से पहले के आए हुए और रात हो गई। अब हम जा रहे हैं मरीना बे पे, वहाँ पे जरा वो है ना लेजर लाइटिंग होएगी, वो दिखाते हैं आपको चल के। वो ऐसा कितने लैन था जे लाइटिंग का जो शो होता है ना, लाइटें जलेंगी, वो लेजर लाइटिंग का शो होता है, वो देखने के लिए हम जा रहे हैं। जो अभी मैं बाहर से नहीं दिखा, जो तीन बिल्डिंगें नजर आ रही थी आप लोगों को, वो बाहर ये नहीं ना बिल्कुल साथ इसका ही हिस्सा है ये भी। अब हम जा रहे हैं, देखते हैं किस तरफ से निकलते हैं। बड़ा टूरिस्ट आया हुआ है यार, देखो रश चेक करो ना कितना रश है। ये ले लो इससे। कितने बड़े बड़े ड्रैगन खड़े हुए, अरे ड्रैगन सानू उठ के वहां गए। नीचे बोट वगैरह भी चल रही है, देखें इन्होंने क्या क्या बना दिया इसके अंदर। अरे ड्रैगन कितने खूबसूरत हैं। ऐसा मेला लगा हुआ है, पता नहीं सारी दुनिया इधर ही उतरी हुई, सब अपने झंडे ले लेके खड़े हैं। ये जो आप मॉल सा समझ रहे थे ना, ये सिर्फ एंट्रेंस बनाई हुई है, देखें कितनी कमाल की। और यहाँ से हम आए थे और यहाँ से हमने बाहर निकलना है। माशाल्लाह मजा, क्या जबरदस्त नजारा है यार, वाओ सिटी व्यू। सिंगापुर है भाई, वाकई यार सिंगापुर है, कोई शक नहीं। आपने भी कितनी दुनिया देखी है, ऐसा कंट्री कोई कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दुबई को कहते हैं लेकिन दुबई वो नहीं है, आर्टिफिशियल है। हाँ। दुबई में इसमें बड़ा फर्क है, यहाँ पे नेचुरल लुक आती है, दुबई में वो लुक नहीं है जो यहाँ की है। बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं ना भाई, ये इनके पास वर्क वीजा, इनके पास दुबई का, लेकिन दुबई आना जाना होता है मेरा, इनका दुबई आना जाना होता है, लेकिन कहता नहीं भाई कोई मजा नहीं है दुबई में, जो सिंगापुर सिंगापुर यार रुला लग रहा है कसम से इनके व्यू आए में। ओए होए मैं क्या चीज देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, ये देखें जरा यहाँ से सिटी का नजारा। ये है भाई सिंगापुर, ये है चस आ गई यहाँ पे, एंड हो गया, एंड एंड हो गया भाई एंड। ये पीछे मेरे मरीना बे है, ये वाला, ये जो तीन बिल्डिंग है ऊपर कश्ती सी जो बनी हुई है, बड़ी मशहूर बिल्डिंग है सिंगापुर की। और इस तरफ वाटर फाउंटेन होगा भी थोड़ी देर तक, बस 5-7 मिनट तक शुरू होने वाला है, जैसे दुबई में होता है ना वैसे सेम सिंगापुर में भी होता है। और ये सात सिटी है सामने, सही इधर आओ बुलांदा पे, ये क्या कमाल का सिटी है यार, जबरदस्त व्यू है। शुरू हो गया भाई काम, पेंटिंग नजर आ रही होगी आपको, देखो कितनी जबरदस्त लग रही है ये पानी के अंदर।
जबरदस्त है, जबरदस्त। जबरदस्त जबरदस्त, मजा आ गया कसम से, पैसे पूरे। इतनी जनता आई हुई है, देखें ये मरीना वे के सामने होता है ये वाटर फाउंटेन, कमाल का चला यार, कमाल का, क्या सीन था।
पैसे पूरे हो गए यकीन माने, इतना जबरदस्त इन्होंने वाटर फाउंटेन चलाया है ना। आप आए इधर घूमने फिरने के लिए, आपको पता चले कि कितना ज़बरदस्त मुल्क है ये, कितने अच्छे लोग हैं यहाँ के, और पूरी दुनिया यहाँ पे उतरी होती है टूरिस्ट घूमने फिरने के लिए। आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह अगर आप आएंगे इधर घूमें। हमारा ग्रुप यहाँ पे पहुँच चुका है बस स्टेशन पे, और जहीर में अकेले देख रहे थे शो और बहुत मज़ा आया। हाँ क्या किया ये 2017.50 ये iPhone 15 Pro Max की प्राइस है। अच्छा तो एप्पल स्टोर भी गए हुए थे, साथ ही एप्पल स्टोर था और हम वहाँ पे वाटर फाउंटेन देख रहे थे। जहीर मैं थे, बाकी सारा ग्रुप पता नहीं कहाँ कहाँ था। अल्हम्दुलिल्लाह होटल में पहुँच चुका हूँ और मेरे मोबाइल की भी बैटरी खत्म हो गई थी। बहुत आज इंजॉय किया, बहुत मजा आया, और सिंगापुर ने तो दिल जीत लिए जैसे उन्होंने वाटर फाउंटेन चलाया, आउटस्टैंडिंग। बस आज का व्लॉग था यहाँ तक ही, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपने भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।